बच्चों, आज का हमारा उपविषय है प्रत्यय। हमने पिछली कक्षा में उपसर्ग पढ़ा, उसके बारे में जाना, उसके भेदों के बारे में जाना। आज हम उपसर्ग के साथ ही शब्द में जो प्रत्यय लगते हैं, जो शब्द रचना में प्रत्यय का मुख्य स्थान है, उस प्रत्यय के बारे में करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रत्यय की परिभाषा, फिर उसके कितने भेद हैं, वो कैसे कैसे बनते हैं, किस प्रकार शब्द में प्रत्यय लगता है, शब्द में प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह एक शब्दांश होता है, न कि शब्द। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बताती हूँ। वे शब्दांश, यानी कि शब्द नहीं, शब्द का अंश, जो मूल शब्द के अंत में लगकर मुख्य शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, विकार पैदा कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे शब्द है सुंदर। क्या है? सुंदर। सुंदर शब्द में ई या ता प्रत्यय जुड़ने से मूल शब्द सुंदर को सुंदरी, ई प्रत्यय जुड़ गया, और ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो सुंदरता में बदलकर अर्थ में भी बदलाव ला देते हैं। मैंने उदाहरण के तौर पे बताया कि मैं सुंदर शब्द को लेती हूँ। सुंदर शब्द है, अगर हम सुंदर क्या है अपने आप में? एक विशेषण। ठीक है, एक विशेषण है, तो हम सुंदर शब्द में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो सुंदरी बन जाएगा। सुंदर शब्द में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो सुंदरता बन जाएगा, और उसका सुंदर से सुंदरी और सुंदरता उसके अर्थ में भी बदलाव आ जाता है। अब आगे भेद, प्रत्यय के भेद। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के हैं। कितने? दो प्रकार के। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, वो मैं बताऊंगी। नंबर एक, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? क्रिया शब्दों में लगने वाले जो प्रत्यय हैं वो कृत प्रत्यय हैं। यानी कि जो क्रिया शब्दों के साथ लगते हैं और उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कौन सा? तद्धित। तद्धित प्रत्यय क्या है? क्रिया क्रिया शब्दों से भिन्न शब्दों में लगने वाले जो प्रत्यय हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि उनके आगे जो शब्द होगा, जो प्रत्यय शब्दांश है, वो जो जब शब्द में जुड़ेगा तो उसमें क्रिया शब्द न होकर संज्ञा सर्वनाम विशेषण कोई भी हो सकता है, और उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, जुड़कर उसके पीछे, मूल शब्द के पीछे जुड़कर उस संज्ञा हो या सर्वनाम हो या विशेषण हो, और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, कितने हुए? दो। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब मैं इनके बारे में बताऊंगी कि कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं और तद्धित प्रत्यय कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कृत प्रत्यय क्या है, कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया शब्दों में लगाए जाते हैं। कौन से? जो शब्दांश क्रिया शब्दों में लगाए जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्दांश क्रिया से भिन्न संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों में लगते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं और तद्धित प्रत्यय कौन कौन से हैं, मैं बताना चाहूंगी। जैसे आई, आई क्या है? प्रत्यय। क्योंकि प्रत्यय की परिभाषा क्या है कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो हम आई, ओना, हार, आऊ, दार, वाला, आहट, आवट आदि। तो
जैसा कि मैं बता चुकी हूँ और तुम्हें भी पता है कि ये जो प्रत्यय में शब्द के पीछे लगते हैं, उपसर्ग मैंने कल की कक्षा में जो करवाया था उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। और दोनों का अर्थ क्या है कि जब ये दोनों लग जाते हैं तो क्या है उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। आई जब हम प्रत्यय को लगाएंगे जैसे लिखाई, तो मूल शब्द क्या हुआ लिख, लिखना। ओना, ओना का जैसे बिछोना, ठीक है बिछाना, जैसे बीच से बिछोना। जैसे हार है चित्रहार, मूल शब्द है चित्र और हमने हार प्रत्यय जोड़ दिया। ऐसे ही बिकाऊ, बिकाऊ का क्या है बिकना, बिकना से हमने उसमें क्या जोड़ा आऊ प्रत्यय, क्या हो गया बिकाऊ। ऐसे ही दार प्रत्यय है, जैसे मैंने शब्द बनाया देनदार, यानी कि देन मूल शब्द है और दार प्रत्यय है। वैसे ही वाला, रखवाला, रख रखना किसी चीज को, वाला रखने वाला, रखवाला। आहट, आठ में आठ प्रत्यय जोड़ेंगे तो घबराना से जैसे घबरा, घबरा से घबरा, घबराहट, ठीक है आवट। ये क्या था कृत प्रत्यय। अब हम करेंगे नंबर दो तद्धित प्रत्यय। मैंने बताया था कि तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों से भिन्न शब्दों में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उनमें संज्ञा भी हो सकती है, सर्वनाम भी हो सकता है, संज्ञा शब्द भी हो सकते हैं, सर्वनाम शब्द भी हो सकते हैं, और क्या विशेषण शब्द भी हो सकते हैं। जैसे एरा, एरा क्या है प्रत्यय, हमने एरा को जोड़ा शब्द बना दिया चचेरा, चाचा से क्या बन गया चचेरा, आना से क्या बनेगा रोज आना। जैसे रोज मूल शब्द है और आना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया रोज आना। आर, आर प्रत्यय है, तो जैसे लुहार सुनार, इन प्रत्यय जैसे मालिन, इक प्रत्यय दैनिक भौतिक, ऐसे इता प्रत्यय है सुंदरता मधुरता, दान कमलदान फूलदान, कार पत्रकार चित्रकार, ठीक है बेटा ये सब क्या है तद्धित प्रत्यय। अब हमारे दोनों भेद हो चुके हैं, आगे मैं इनके बारे में कुछ और बताना चाहूंगी कि इनकी मुख्य पहचान क्या है। जैसे मैंने उपसर्ग में बताया कि उपसर्ग की भांति उपसर्ग में भी जो उपसर्ग थे वो भी स्वतंत्र शब्द नहीं है, वे स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते, वैसे ही उपसर्ग की भांति प्रत्यय भी स्वतंत्र नहीं होते हैं, वे अपने आप में अकेले प्रयोग नहीं किए जाते हैं। दो, ये शब्द के अंत में जुड़कर क्या प्रत्यय, शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश हैं, यानी कि हम इनको शब्द नहीं कहेंगे, शब्द का वो अंश है जो शब्द के आगे या पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग या प्रत्यय कहलाते हैं। अब मैं एक ऐसा शब्द लिखती हूँ उसमें मूल शब्द और प्रत्यय और उपसर्ग दोनों होंगे, मूल शब्द को निकालना है। शब्द है अपमानित, अपमानित शब्द है, ये ऐसा शब्द है इसमें हम जब हमें मूल शब्द इसमें से निकालना आ जाएगा तो इसमें से उपसर्ग और प्रत्यय दोनों अपने आप अलग हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम किसको निकालेंगे मूल शब्द को, किसको मूल शब्द। तो मूल शब्द क्या है देखो, जो इसमें उपसर्ग क्या है अप, क्या है ये तो है उपसर्ग, और इत छोटी की मात्रा है न में, तो ये इत क्या हुआ प्रत्यय, क्या हुआ प्रत्यय, और अब क्या हुआ उपसर्ग, ठीक है, क्योंकि उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, इत प्रत्यय हुआ और अब उपसर्ग बना, तो मूल शब्द क्या बचा मान, क्या बचा मान। तो इस प्रकार बेटा जब हमने मूल शब्द इनको अच्छे से निकाल लेंगे, निकालना आ जाएगा, तो हम उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को अच्छे से छाट सकते हैं, निकाल सकते हैं और अपना अच्छे से कर सकते हैं। इस प्रकार आज का हमारा ये जो उपविषय प्रत्यय यहीं पर समाप्त होता है, धन्यवाद, 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 समाप्त होता है,
धन्यवाद।